हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई से जोधपुर आए एयर इंडिया की फ्लाइट में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। बताया गया है कि वे लोग आपस में अवांछित गतिविधियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दोपहर बाद तक उनसे पूछताछ की जा रही थी। एहतियात के तौर पर पूरे एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले यात्री और उनके सामानों की कड़ी जांच की जा रही है। दोपहर तक पुलिस कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। डीसीपी डॉक्टर अमनदीप कपूर स्वयं एयरपोर्ट में संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को मुंबई से जोधपुर आए एयर इंडिया के विमान में कुछ अवांछित गतिविधियों होने की आशंका में पुलिस एयरपोर्ट पहुंची थी। इस फ्लाइट के जोधपुर पहुंचते ही सुरक्षा कर्मियों ने विमान को अपने घेरे में ले लिया। करीब पौने घंटे तक विमान के दरवाजे भी नहीं खोले गए। अंदर यात्री सहमे हुए बैठे रहे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है। इसके बाद विमान का गेट खुलते ही सुरक्षा कर्मियों ने अंदर प्रवेश किया। उन्होंने करीब आधा दर्जन संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और उन्हें लेकर बाहर आ गए। अन्य सभी यात्रियों को विमान में ही बैठाए रखा गया। इस दौरान सभी यात्रियों के सामान की कड़ी तलाशी ली गई। दो घंटे बाद सभी यात्रियों को बाहर निकालने की अनुमति प्रदान की गई। बाहर निकले एक यात्री ने बताया कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या मामला है, लेकिन पुलिस कुछ युवकों को अपने साथ अवश्य लेकर गई है। दो घंटे से सबको रुका हुआ था, पर वी हैव एवरीवन हैज कोऑपरेटेड वेरी वेल। इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी। अब यह तो डिस्क्लोज नहीं किया, पर बोला नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। छह जनों को लिया, दो जने सस्पेक्ट है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।